तो एक मोमिन तो दरूद के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो दरूद के बगैर दिन गुजार ही नहीं सकता। अलग से ना भी पढ़े तो उसको नमाज के अंदर दरूद पढ़ना ही होता है। दरूद इब्राहिमी तो नमाज का हिस्सा बना दिया गया और उसको कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तरगीब दी गई। तो दरूद एक ऐसा वजीफा है कि जो अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा शामिल कर सकते हो उतना ज़्यादा शामिल कर लो। वैसे भी दरूद पढ़ने से बच्चों में तकद्दस पैदा होता है, बच्चे पाक दामन रहें, इफ़त महाब रहें, उनकी तबा में तकद्दस रहे। आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है, और फिर दौरे मौजूद के अंदर जो फितने हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी औलादें तकद्दस महाब रहें। तो उनको दरूद की तरगीब दो तो उसका अमली नतीजा यही होगा कि उनमें तकद्दस का जौहर पैदा होगा और उनकी इस्मत की हिफाजत रहेगी। और दरूद शरीफ पढ़ने वाले बच्चे और दरूद शरीफ ना पढ़ने वाले बच्चे, दोनों की आदत में फ़र्क होता है। दरूद पढ़ने वालों की तबा में रिक्कत, लताफत, नरमी, मोहब्बत, शफकत जैसे जज्बात पैदा होते हैं। ये दरूद शरीफ का अमली नतीजा है। बास लोगों को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे बड़े अक्खड़ हैं, बड़े तुंद मिजाज हैं, बड़े सख्त गिर हैं, तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज यही है कि उनको दरूद की तस्बीह दो। दरूद अक्कड़ तोड़ देता है, तबीयत की तुंदी निकाल देता है, तबाय की तलखियां ख़त्म कर देता है, मोहम्मद अरबी के नाम की मिठास पैदा कर देता है। हुजूर का नाम शहद से मीठा है, दिलावेज़ है, खंड में उतनी मिठास नहीं है, शक्कर और गुड़ में उतनी मिठास नहीं है, शहद में उतनी मिठास नहीं है, कंद और नबात में उतनी मिठास नहीं है जितनी नाम मोहम्मद में रखी गई। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। मेरे शहर के एक पंजाबी शायर हैं, उन्होंने तो कलम ही तोड़ दिया ना, तेनू सीने दी मैं ठंडा खां, अगर आपका जौक हो तो, तेनू सीने दी मैं ठंडा खां, शहद गुलाब ते खंडा खां, तेनू नबियां दा मैं लाड़ा आखां, तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा आखां। तो उनका नाम ही मीठा है, दिल आवेज है। तो दरूद गुस्सा ख़त्म करता है, तबीयत की तलखी और तुंदी मिटा देता है, अक्खड़पन ख़त्म करता है। तो आप अगर चाहें कि औलाद अक्खड़ है तो उनको किसी तरह दरूद पे ले आएं, दरूद की तस्बीह उनके हाथ में दे दें, तो उनकी तबा में नफासत भी आएगी, उनकी तबा में लताफत भी आएगी, उनकी तबा में रिक्कत भी आएगी, उनकी तबा में मोहब्बत भी आएगी, उनकी तबा के अंदर जो है वो लियाकत भी पैदा होगी। दरूद पढ़ने वाला बच्चा ज़हनी इस्तेदाद में दरूद ना पढ़ने वाले बच्चे से बेहतर होता है। ये भी आप तजुर्बा करके देख लें, दो बच्चे बराबर ज़हनी इस्तेदाद रखते हों और उनमें से एक बच्चा दरूद पढ़ता हो और एक दरूद ना पढ़ता हो, तो दरूद पढ़ने वाला बच्चा आगे होगा। ये दरूद की बरकतें हैं, ये दरूद की रहमतें हैं। तो दरूद कसरत से पढ़ना अपनी औलाद को सिखाएंगे। हफ्त रोज़ा आप महाफिल का घर में इक़ाद कर लीजिए और उसमें सिर्फ दरूद ही पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह उससे आप देखेंगे कि औलाद को उसका फ़र्क पड़ता है। ये तरबियत का एक आसान नुस्खा है और ये वो वजीफ़ा है जिससे थकन नहीं होती, ये वो वजीफ़ा है जिससे तबीयत में तलखी नहीं आती। कहते हैं वजीफ़ा मैंने पढ़ा है तो वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत में ये हो गया है, वो बात कहते हैं वजीफ़ा उलट पड़ गया है। बड़े वजीफ़े उलट पढ़ सकते हैं लेकिन दरूद उलट नहीं पढ़ता, दरूद है ही सीधा, ये उल्टों को भी सीधा कर देता है। तो दरूद पढ़ें और ये मुँह भी मीठा रखेगा, ये दिल भी ठंडा रखेगा, ये दुनिया भी ठंडी रखेगा और आखिरत भी ठंडी कर देगा। दरूद चिराग भी है, दरूद कस्तूरी भी है, खुशबू भी है, महक भी है, शहद भी है, गुलाब भी है, खंड भी है।
اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے. تو درود اپنی تباہ کے اندر اچھی طرح سے راسخ کر لیں اور اپنی اولادوں کی تباہ میں اس کو راسخ کریں. اس سے آپ عملاً دیکھیں گے, میں سالوں کی بات نہیں کرتا, عشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود. تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو. بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس سے درود قائم کرو. روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا, نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے. جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے, اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں.